हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजी माठेची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं या फिर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं। ये दोनों मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम निकालते हैं एक अधिवर्ष को। तो एक अधिवर्ष क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो एक अधिवर्ष जो होता है, एक अधिवर्ष लीप ईयर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लीप ईयर को बोला जाता है एक अधिवर्ष। और एक लीप वर्ष, जिसको लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष है, तो इसमें कितने दिन होते हैं आपको पता ही होगा, 366 दिन होते हैं। पहला हमारा डाउट क्लियर हो गया कि एक अधिवर्ष जो होता है आपका लीप वर्ष कहलाता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। पहला डाउट क्लियर। अब दूसरा बात, अब इस अधिवर्ष में कितने घंटे होते हैं ये हम निकालते हैं। एक अधिवर्ष 366 दिन का होता है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में टोटली 24 घंटे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 366 दिन में कितने दिन होंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों? 366 दिन में कितने घंटे होंगे, जिसको अधिवर्ष बोला जाता है, क्या करेंगे? 366 गुणे 24 कर देंगे। कि जबकि एक दिन में इतने घंटे होते हैं, 366 दिन में, यानी कि इसका जोड़ 366 बार 24 घंटे को जोड़ेंगे, इसका मतलब यही होता है। इसलिए क्या करेंगे, 24 का इसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाता है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर में। देखिए यहाँ पर मैं आपको 366 में 24 गुणा करके दिखाता हूँ। देखिए 366 गुणे 24 कितना आया, 8784 आया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8784 घंटे हुए। ये क्या हमारा लीप वर्ष में, यानी कि एक अधिवर्ष बराबर एक अधिवर्ष बराबर 8784 घंटे होते हैं। इसको कैसे मैंने बता दिया कि इतने होते हैं, इसी को दोस्तों लीप वर्ष बोला जाता है, जो कि 4 साल में एक बार आता है। क्या होता है? 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, जिसमें कि क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। नॉर्मली जो होती है, नॉर्मल दिन जो होती है, जिसको सामान्य वर्ष बोला जाता है, उसमें क्या होता है, 365 दिन होता है। और जब इसी को लीप वर्ष होता है कि जब 4 साल में ये दोहराई जाती है। ठीक है, तो ये रहा एक अधिवर्ष में कितने घंटे और दिन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए।